सब्सक्राइब कीजिए टिप टॉप न्यूज हिंदी चैनल को और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज फिर से हम बात करने वाले हैं नई भर्ती के बारे में जो निकली है रेलवे आरपीएफ यानी के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। कांस्टेबल और एसआई के इसमें पद निकले हैं 10,000। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी के लिए भी 50% पद आरक्षित किए गए हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नई भर्ती है ये, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आरपीएफ रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी देख लेते हैं बिना कोई वक्त गंवाए। रेलवे सुरक्षा बल में 10,000 भर्ती का नया विज्ञापन, 50% आरक्षण महिलाओं के लिए इसमें है। भारतीय रेलवे ने देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। इसके अंतर्गत नियमों में संशोधन किया गया है जिससे महिलाओं को भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण प्रदान किया गया है। इस आरक्षण के माध्यम से भारतीय महिला अपना सर्वोपरि विकास करने में सक्षम होंगी। संभवतः भविष्य में सभी भर्ती में इस नियम को अनिवार्य कर दिया जाएगा। भारत सरकार का यह कदम अन्य राज्य सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करेगा जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। इस पेज पर रेलवे सुरक्षा बल में 10,000 भर्ती में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के विषय में जानकारी दी गई है। भारतीय रेलवे ने जल्दी 9,500 से 10,000 नियुक्तियां किए जाने की घोषणा की है। इस भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण निर्धारित किया गया है। संभवतः आगामी सभी भर्ती में इस नियम को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार से विभाग में महिला और पुरुष के अनुपात को समान करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी दिनों से इस आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था कि महिलाओं को भी रोजगार में बराबर अधिकार मिले। भारत सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और सर्वप्रथम रेलवे के भर्ती अधिनियम में संशोधन किया जिसके फलस्वरूप रेलवे सुरक्षा बल में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया को संपूर्ण होने के पश्चात भविष्य की अन्य भर्ती में इस नियम को लागू किया जा सकता है। दोस्तों भर्ती विज्ञापन के नियम देख लेते हैं। परीक्षा का नाम आरपीएफ या आरपीएफ परीक्षा 2018-19 है। संस्था भारतीय रेलवे है। परीक्षा ऑनलाइन तरीके से होगी। पद का नाम रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल और एसआई है। टोटल पद 9,739 है। आवेदन इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी indianrailways.gov.in है। आवेदन शुरू होने की तिथि जल्द ही जानकारी प्रदान की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, परीक्षा की संभावित तिथि अभी डिक्लेयर नहीं हुए, जल्द ही ये डिक्लेयर की जाएगी। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें इसकी डेट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। खाली पदों की संख्या देख सकते हैं। पुरुष कांस्टेबल के लिए 4,403 है। महिला कांस्टेबल के लिए 4,216। पुरुष एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए 819 है। महिला एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए 301 है। योग्यता भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। कांस्टेबल के लिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास होना अनिवार्य है और एसआई पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट डिग्री पास होना अनिवार्य है। आयु भी देख सकते हैं 18 से 25 साल कांस्टेबल पद के लिए है और एसआई पद के लिए 20 से 25 साल है। चयन प्रक्रिया भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन इसमें भाग 1 में लिखित परीक्षा होगी, भाग 2 में पीईटी, भाग 3 में पीएचटी, भाग 4 में चिकित्सा परीक्षण होगा। बिना इंटरव्यू के परीक्षा है। लिखित परीक्षा का पैटर्न, रिटन एग्जाम, टेस्ट का पैटर्न भी आप देख सकते हैं। सामान्य जागरूकता 50 प्रश्नों की संख्या है, अधिकतम अंक 50 है। अंक गणित के 35 संख्या है प्रश्नों की और 35 संख्या है। सामान्य इंटेलिजेंस और तर्क शक्ति 35 क्वेश्चन है और 35 मार्क्स है। टोटल 120 प्रश्नों की संख्या है और अंक भी 120 है। टोटल टाइम इसके लिए 90 मिनट है। दोस्तों इस पूरी जानकारी को पढ़ने के लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस पेज पर विजिट करके पूरी जानकारी हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।